दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही गजब का स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी होता है, उसके साथ में गधा भी होता है। तो वैसे गधा का सम्मान कौन करे, लेकिन वो आदमी सोचता है कि इस गधे का भी सम्मान इस दुनिया में होना चाहिए। तो आदमी क्या करता है कि वो गधे के ऊपर में एक मंदिर रख देता है। आपने बिल्कुल सही सुना, वो आदमी उस गधे के ऊपर में एक मंदिर रख देता है। और फिर होता यह है कि हर दिन सुबह सुबह वो आदमी उस गधे को लेकर के अपने गांव वालों के सामने, मतलब घर के सामने में जाता है। तो जैसे ही गांव वाले अपना दरवाजा खोलते हैं, तो वो देखते हैं कि सामने में एक गधा है। लेकिन वो साथ में ये भी देखते हैं कि उस गधे के ऊपर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें भगवान की प्रतिमा है। तब होता यह है कि जैसे ही लोग उस भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, तो अपना हाथ जोड़ते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उस पर कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऐसा बारी बारी से होता ही है। गधे को ऐसा लगता है कि जो पूजा हो रही है, जो सम्मान दिया जा रहा है, वो मेरे वजह से। वो गधा भूल जाता है कि जो सम्मान है वो गधे का नहीं हो रहा है, वो उस मंदिर का हो रहा है, वो उस भगवान की प्रतिमा का हो रहा है जो गधे के ऊपर में होता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं, तो मतलब सब लोग हाथ जोड़ते जाते हैं गधे के सामने में। तो गधे को अब अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाते हैं उसके अंदर में कि मेरे सामने में लोग हाथ जोड़ते हैं, मेरे सामने में लोग सर झुकाते हैं। एक दिन होता यह है कि वो गधा अपने बिना मालिक के अपने घर से निकल जाता है और गांव वालों के सामने में चला जाता है सुबह सुबह। और लोगों के जो घर के सामने में आवाज, मतलब देता है, आवाज करता है। अब लोग आते हैं तो देखते हैं कि गधा है और उसके ऊपर में कुछ रखा भी नहीं गया है। तो लोग उसको लाठी मारते हैं कि सुबह सुबह आ गया, आवाज कर रहे ऊपर से। अब गधा सोचता है, अरे कल तो ये लोग मेरे पूजा कर रहे थे, आज ये लोग मुझे धुतकार क्यों रहे हैं। गधा सोचता है, कोई नहीं, चलो दूसरे घर के सामने में जाते हैं। अब वो दूसरे घर के सामने में जाता है, आवाज करता है, लोग सामने आते हैं और वो लोग भी उसको मारते हैं। अब गधा के साथ में ऐसा बार बार होता है, तो गधा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि यही लोग थे जो कुछ दिन पहले, मतलब पिछले ही दिन मेरा सम्मान कर रहे थे, मेरे सामने में सर झुका रहे थे, और वही लोग आज मेरे सामने में, मतलब मेरे तिरस्कार क्यों कर रहे हैं, मुझे लाठी क्यों मार रहे हैं। अब गधा तो गधा ही है, वो भूल गया के जो सम्मान हो रहा था वो उस गधे का नहीं हो रहा था, वो उस भगवान के प्रतिमा का हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि जिस प्रकार गधे को तिरस्कार आ जाता है और उस मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार समाज में हमारे ज्ञान, विवेक, बुद्धि की पोस्ट और पोजीशन की प्रशंसा होती है, सम्मान होता है, ना कि इस कंकाल तंत्र का। यदि कभी ये बात समझ में ना आए, भ्रम आ जाए कि समाज में इस खूबसूरती का, इस स्ट्रक्चर का सम्मान हो रहा है, तो किसी आपा खोए हुए व्यक्ति, मैड व्यक्ति से जरूर मिलना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।